सब्सक्राइब कीजिए इट्स टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ऑल नोटिफिकेशन के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो सुमन विक्रम, स्वागत है आपका टेक्निक्स के एक और एपिसोड में। लेकिन आपके लिए आज लेटेस्ट टेक्निक, चलिए देखते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को स्पेशल बनाकर स्पेशल बटन पर क्लिक कर ही दीजिए। दोस्तों बात करें पहले अपडेट की, आता है यहाँ पे सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी W25G आप जानते होंगे, कुछ दिन से आपको फोल्डेबल फोन है बोल के कुछ आपको स्पेसिफिकेशन वीडियो आपको देखने को मिल रहे होंगे बहुत सारी, और इसकी लॉन्च डेट भी आज लीक होकर आई। दोस्तों ये लॉन्च होगा तो 19 नवंबर को लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, दोस्तों चाइना में 19 नवंबर को लॉन्च हो जाएगा, और उसके बाद हमको 2020 में हमको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा सैमसंग का W25G। तो देखेंगे दोस्तों इंडिया में कब लॉन्च होता है और किस कीमत पर लॉन्च होता है इंडिया में, तो देखेंगे, थोड़ा इंतजार कर ही लेंगे। आप इसके लिए एक्साइटेड हैं, मुझे नीचे हमने जरूर लिख कर बता ही देना। दोस्तों बात करें दूसरे अपडेट के, आता है पे Xiaomi की तरफ से। दोस्तों बताया जा रहा है कि Redmi K30 है ना, हमको इसी साल में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों देखने को नहीं, हमको हमारे हाथ में मिल जाएगा ये फोन Redmi K30 और K30 Pro के स्पेसिफिकेशन आप देख रहे होंगे कुछ दिन से YouTube में। दोस्तों बताया जा रहा है कि K30 Pro है ना 2020 में लॉन्च हो जाएगा और K30 है ना इसी साल लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। तो देखेंगे दोस्तों K30 लॉन्च हो जाएगा इसी साल, तो देखेंगे क्या कमाल धमाल कर देता है। और कुछ दिन पहले बताया जा रहा है कि Poco F2 लॉन्च हो जाएगा इसी साल, और अब बता रहे हैं कि Redmi K30 लॉन्च होगा, तो शायद लगता है ये दोनों फोन लॉन्च कर देगा, Poco F2 भी और Redmi का K30 भी। तो देखेंगे दोस्तों दोनों को मिलाकर क्या कमाल धमाल आग लगा देता है Xiaomi। वैसे भी आपको K30 में आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले मिलता है और साथ में 5G भी मिलता है, आग जरूर लगा देगा उसमें K30। तो हमको थोड़ा इंतजार करना है, इसी साल के एंड में लॉन्च हो जाएगा Redmi का K30। दोस्तों बात करें दूसरे अपडेट की, आता है WhatsApp की तरफ से। दोस्तों WhatsApp की तरफ से ऑफिशियल खबर आ रही है कि अब मान लो कि कोई उल्टे सीधे नाम पे कुछ WhatsApp के ग्रुप्स हैं, अब उस ग्रुप को है ना WhatsApp रिमूव कर रहा है, मतलब बैन कर रहा है। बैन के साथ अब मान लो कि अब एक ग्रुप है वो उल्टा सीधा वाला, कोई फेक ग्रुप है, फेक मतलब कोई उल्टे सीधा वाला कुछ अलग ही ग्रुप है, उस ग्रुप में मान लो कि 50 मेंबर्स हैं, 50 मेंबर्स के अकाउंट भी बैन और वो ग्रुप भी बैन। अभी आगे चलकर ऐसा करने की प्लानिंग कर रहा है व्हाट्सएप। अगर आप भी कुछ उल्टे सीधे नाम वाले कुछ ग्रुप में हैं तो आप उसमें एग्जिट होना, अगर आप हैं तो उस ग्रुप में से निकल जाना दोस्तों, क्योंकि आपका अकाउंट भी खतरे में पड़ सकता है, मतलब आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है अगर आप उल्टे सीधे नाम वाले ग्रुप में आप शामिल हैं। तो ऐसा प्लानिंग चल रही है व्हाट्सएप को लेकर, हम देखेंगे ये आखिर क्या कर देता है व्हाट्सएप आगे चलकर। दोस्तों बात करें दूसरे अपडेट की, आता है पे सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड आप जानते होंगे दोस्तों, फोल्डेबल फोन, और आज ये चाइना में सेल पर गया था दोस्तों और 5 मिनट में सोल्ड आउट। दोस्तों 5 मिनट में पूरा काम ही तमाम, तो 5 मिनट में सोल्ड आउट हो गया दोस्तों गैलेक्सी फोल्ड। ये आपको कैसा लगता है दोस्तों गैलेक्सी फोल्ड, मुझे नीचे हमें जरूर लिख कर बता देना, और लिखने से पहले इसका प्राइस जान लेना। तो इसका प्राइस है ना 1,70,000 के आसपास हो सकता है, अगर इंडिया में ऐसा कमाल धमाल करेगा तो क्या अलग ही बात हो जाएगी। दोस्तों बात करें दूसरे अपडेट की, आता है पे वन प्लस की तरफ से। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आपको वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो की काफ़ी ज़्यादा आपको खबरें सुनने को मिल रही होगी, और वैसे भी हमें पता है कि ये 2020 में लॉन्च हो जाएगा, और कुछ लीक्स बताती है कि इसमें 120Hz रिफ्रेश डिस्प्ले इसमें मिल जाता है। तो देखेंगे ये लॉन्च होगा तो 2020 में, तो देखेंगे ये आखिर कैसा होगा फोन, हमको 2020 में ही पता चलेगा। दोस्तों बात करें दूसरे अपडेट की, आता है पे Xiaomi की तरफ से। दोस्तों अगर आप Redmi का 6A और 6 यूज़ करते हैं तो आपके लिए कुछ खुश खबरें दोस्तों। दोस्तों Redmi 6 और Redmi 6A में MIUI 11 अपडेट आना शुरू हो गया दोस्तों, और फिलहाल ये कुछ लोगों को अपडेट मिला है और कुछ लोगों को नहीं, धीरे धीरे सबको ये मिलना शुरू हो जाएगा ये MIUI 11 अपडेट। और आपको ये अपडेट मिला क्या वो भी नीचे कमेंट जरूर लिखकर बता देना, और आपको ये अपडेट कैसे लगते हैं वो भी नीचे लिखकर जरूर बता देना। दोस्तों खत्म, फिलहाल के इतना ही, देखने के लिए बहुत शुक्रिया, वीडियो पसंद नीचे कमेंट बताना जरूर, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोग चैनल तो लिख कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इट्स टेक्निकल।